बीते साल भारत के स्मार्टफोन मार्केट में एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला है। एंट्री लेवल स्मार्टफोन की बिक्री में सुस्ती आने से भारत में बिकने वाले नए स्मार्टफोन की बिक्री 2022 में कम रही है, लेकिन इस दौरान सेकंड हैंड यानी पुराने स्मार्टफोन की बिक्री में तेजी दर्ज की गई है। इसकी वजह है कि अब सेकंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट संगठित रूप लेने लगा है, जिसकी वजह से पुराने स्मार्टफोन की बिक्री दर नए स्मार्टफोन के मुकाबले ज्यादा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में 6% की कमी आई है। वहीं सेकंड हैंड स्मार्टफोन की बिक्री में बीते साल के दौरान 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों के मुताबिक पुराने स्मार्टफोन की बिक्री में बढ़ोतरी की वजह है कि इसके असर से लोगों की कम कीमत में हाई एंड फोन खरीदने की चाहत पूरी हो रही है। हालांकि सेकंड हैंड स्मार्टफोन की बिक्री के रास्ते में एक बड़ा ब्रेकर है, इन पर मिलने वाली महज 6 महीने की वारंटी। वहीं इन फोन्स को खरीदने पर किसी तरह की गारंटी नहीं मिलती है। इसके अलावा इस बाजार की तेज ग्रोथ के रास्ते में आने वाली बाकी समस्याओं में शामिल है, केवल स्टार्टअप कंपनियां ही पुराने स्मार्टफोन को बेचने का काम कर रही हैं। ऐसे में फोन की क्वालिटी को लेकर हमेशा संदेह बना रहता है। मैन्युफैक्चरर्स में भारत में केवल सैमसंग ही अपना फोन रिफर्विश करके बेचती है, लेकिन इस मार्केट की तेज होती रफ्तार को देखकर कई स्मार्टफोन कंपनियां केवल पुराने स्मार्टफोन बेचने के बिजनेस में आ गई हैं। होली के मौके पर कई ई कॉमर्स कंपनियों ने सेकेंड हैंड आईफोन 13 जैसे मॉडल्स की बिक्री की थी। कंपनियां सेकेंड हैंड मोबाइल फोन को पूरी तरह से रीसेट करने के बाद ही उसे बेचती हैं। मोबाइल फोन पर रिसर्च रिपोर्ट निकालने वाली कंपनी काउंटर पॉइंट के मुताबिक 2026 तक भारत में यूज्ड फोन का कारोबार $4.6 अरब का होगा। 2026 तक भारत में सेकेंड हैंड फोन की सालाना बिक्री 11 करोड़ यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा सेकेंड हैंड फोन की बिक्री हो रही है। ऐसे में सेगमेंट एक नए तरह के रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा कर रहा है, जो आगे चलकर देश की इकोनॉमी में भी अपना योगदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।